How can a moving coil galvanometer be converted into ammeter? By connecting a suitable low resistance, suitable मतलब जो जितनी आपको रेंज का चाहिए उसके अकॉर्डिंग suitable बोला, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। हो गया आंसर बी पार्ट। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50% सीएस को बढ़ाना है 50% से। रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज? उसी करंट सेंसिटिविटी को नया बनाना है बाय 50% इंक्रीज करना है। सी एस प्लस 50/100 इंटू सी एस दैट इज 1.5 सी एस। ये नई करंट सेंसिटिविटी है। ध्यान रखिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था एन वी ए बाय के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी था एन वी ए बाय आर के, और वी कैन ऑल्सो राइट सी एस बाय आर। नाउ व्हाट इज नया वी एस डैश? इट इज सी एस डैश बाय आर डैश। वॉट इज सी एस डैश? 1.5 सी एस। और वॉट इज आर डैश? ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वैल्यू 2R। तो वी एस डैश क्या हुआ? 1.5 डिवाइड बाई 2 इज 0.75 सी एस बाई आर, विच वॉज द पुराना वाला वी एस। तो वी एस डैश क्या हुआ? 0.75 वी एस। ये लीजिए, तो अगर सी एस डैश 1.5 सी एस होता है उसका मतलब होता है 50% इंक्रीज। तो अगर वी एस डैश 0.75 वी एस होगा तो इसका मतलब होगा 25% डिक्रीज। सो इफ यू आर गोइंग टू डू सो, आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी 25% से गिर जाएगी। ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ी तो दो गुना डेढ़ गुना, पर उसके चक्कर में आपने रेजिस्टेंस दो गुना बढ़ा दी। जब भी करंट सेंसिटिविटी कम फैक्टर से इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस, हमेशा वोल्टेज सेंसिटिविटी विल टेक अ टोल, इट विल डिक्रीज।